रब का डर पैदा हो जाता है, फिर वो इंसान दुनिया के अंदर किसी इंसान से नहीं डरता, फिर वो इंसान दुनिया के अंदर किसी बशर से नहीं डरता, फिर वो इंसान दुनिया के अंदर किसी अमीरों से, किसी दौलत वालों से, किसी गुंडों से, चोरों से नहीं डरता। कौन? जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। और नबी भी यही चीज, यही पैगाम हमें और आपको बार बार दे रहे हैं लोगों के, अपने अंदर तकवा पैदा कर लेना, अपने रब का डर पैदा कर लेना। एक मिसाल देकर जाना चाहूँगा मैं आपके सामने, एक मिसाल। मिसाल क्या है? मिसाल पर ज़रा ध्यान दीजिए। कुछ दिन पहले, फिर से मिसाल सुनिए, मैं आपको जीती जागती मिसाल देके जा रहा हूँ। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है? कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं है। अच्छा, जीती जागती मिसाल देखिए। कर्नाटका के अंदर, बात को सुनिए, कर्नाटका के अंदर हमारे मुसलमान घराने की कुछ बेटियां पर्दे में जाती थी स्कूल। देखिए, पर्दा संविधान में हमारा राइट है, पर्दा हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है। नहीं, कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन इस देश के अंदर, देश संविधान से चलता, याद रखिएगा, इस देश के अंदर कोई भी किसी भी धर्म किसी भी रिलीजन में इंटरफियर नहीं कर सकता। नहीं, हम मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में इंटरफियर नहीं करूँगा। बात समझ में आ रही है? हिंदू हमारे धर्म में इंटरफियर नहीं कर सकते, हम ईसाई में इंटरफियर नहीं करेंगे। ये देश संविधान से चलता है और संविधान सबको बराबर का राइट देता है, सबको बराबर का हक और अधिकार देता है। हमारे हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, भाई आप अपने धर्म के मुताबिक चलें, हम अपने धर्म के मुताबिक चलेंगे, हम आपके धर्म में इंटरफियर नहीं करेंगे, आप हमारे धर्म में इंटरफियर मत करना। हाँ, हिंदू धर्म बड़ा प्यारा धर्म है। क्यों? मैं हिंदू धर्म को जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म बड़ा प्यारा धर्म है। मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोलूँगा, उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। कौन? जो हिंदू धर्म का ठेकेदार बने बैठे हैं। हिंदू धर्म का ठेकेदार बने हैं, मानने वाले किनके? श्री राम जी के मानने वाले हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, है कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला? लाओ जितनी भी किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कल्कि पुराण, भगवत पुराण, पुराण भविष्य पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, जितनी भी किताबें हैं मेरे सामने लाओ, मैं साबित करूंगा कि हिंदू धर्म कितना प्यारा धर्म है। हिंदू धर्म किसी को मारने की तालीम नहीं देता, हिंदू धर्म किसी पर जुल्म करने की तालीम नहीं देता, हिंदू धर्म किसी औरत पर जुल्म करने की तालीम, किसी औरत को अपमान करने की तालीम नहीं देता, मेरे भाइयों। लेकिन ये लोग कौन थे जो लोग नारा लगाकर हमारी एक बहन बेटी को डराना चाहते थे? कौन थे ये? हिजाब लगाकर स्कूल में जाते थे भाई, इसमें क्या हर्ज बात, क्या हर्ज है? नहीं साहब, हम तो जाने नहीं देंगे। मुसलमान घराने की बेटियों की स्कूल में हिजाब के साथ नाराबाजी शुरू कर दिया। मिसाल जो मैं समझाना चाहता था, एक बेटी तन्हे तन्हा अपनी स्कूटी पार्क करके कॉलेज में इंटर कर रही थी, कॉलेज में घुस रही थी, जब उनके सामने ये नारा लगाया गया, जय श्री राम का नारा लगाते हो लगाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आप पुरुषोत्तम जय श्री राम जी का, रामचंद्र जी का नारा लगाते हो लगाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन साहब, उस इंसान का, उस महान पुरुष का नारा लगाकर क्यों आज उसको अपमान कर रहे हो? क्यों रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हो? उसके अखलाक का, चरित्र का हनन तुम कर जानते हो? अगर आज हिंदू धर्म का मजाक किसी ने उड़ा के रखा है तो इन लोगों ने उड़ा के रखा है जो आज हिंदू धर्म का ठेकेदार बन के घूम रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अगर मेरी बात हमारे हिंदू भाइयों के कानों तक पहुँच रही है तो याद रखिए, यह आपके धर्म के मानने वाले लोग नहीं है, ये रामचंद्र जी के मानने वाले नहीं है। अरे साहब, रामचंद्र जी तो वो थे कि उसने रावण का वध इसलिए किया था क्योंकि रावण ने सीता जी का अपमान किया था। और आज तुम उस महान पुरुष का नाम लगाकर आज तुम औरत को अपमान कर रहे हो। पता ये चला, तुम रामचंद्र जी के मानने वाले नहीं, तुम गोडसे के मानने वाले हो। कौन गोडसे? इस भारत देश का पहला आतंकवाद। मुझे कहने दो, संविधान मुझे हक देता है क्योंकि मैं भी भारत का एक बाशिंदा हूँ, मैं भी भारत का एक नागरिक हूँ। मेरे भाइयों, इन लोगों ने इस देश को आज टुकड़े टुकड़े में आज बांटने की कोशिश कर रहा है। साहब, कौन है ये लोग? नहीं तो उस मरिया, उस मुस्कान की बात मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा उधर नहीं जाऊँगा। पहली मर्तबा आया हूँ, मुझे तजर्बा भी नहीं है आप लोगों के बारे में कि कितना आप लोग संभाल सकते हैं। बस इतना कहकर जा रहा हूँ, अल्लाह का डर कि मुस्कान ने उन लोगों से नहीं डरी। मेरे भाइयों, मुस्कान ने उन लोगों को जवाब दिया कि सुनो, तुम पते के खिलाफ नाराबाजी करते हो, हम मुसलमान घराने की बेटी है, हम मुसलमान घराने की शहजादी है, जब तक जिंदा रहूंगी,
बस अल्लाह से डरती रहूंगी और हिजाब करते हुए, हिजाब पहनते हुए स्कूल में आती रहूंगी। तुम में ये दम नहीं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बस की ये बात नहीं कि तुम हमसे हिजाब से दूर कर दो। ये अल्लाह का डर है मेरे भाइयों। मुस्कान से पूछा गया, उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरने वाली हूँ। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अल्लाह के डर के ताल्लुक से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। एक मैसेज में देकर जाना चाहता हूँ, सुनिए। जो लोग आज पर्दे के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग हिजाब के खिलाफ बोल रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम डरा कर पर्दे से आज़ाद करा दूंगा, सुनिए, आपसे कहना चाहता मैं, आपसे जो पर्दे के खिलाफ बोल रहे हैं, सुनिए, मैं आपसे बड़े ही अदब और एहतराम के साथ कहता हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू धर्म के तो मानने वाले नहीं है, पता नहीं आप किस धर्म के मानने वाले हैं, सुनिए, बड़े ही प्यार से, अदब से और एहतराम से मैं कहना चाहता हूँ कि साहब, आप अपनी बहन बेटी को जैसे रखना चाहते हैं रखिए, आप अपनी बहन बेटी को जैसे रखना चाहते हैं रखिए, हम मुसलमानों की इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, हमारी बेटियाँ, मुसलमान घराने की बेटियाँ, पर्दा इस्लाम में फ़र्ज़ है, इस बात को याद रखिएगा, पर्दा इस्लाम में फ़र्ज़ है, हर औरत के ऊपर पर्दा फ़र्ज है, हर हाल में उसको पर्दा करना है, कोई भी पर्दे के बाहर नहीं जा सकती। इसलिए कहकर जा रहा हूँ, सुनिए, जब शरीयत की बात आती है तो हमें बोलना पड़ता है, कब तक खामोश रहूँगा, शरीयत के ऊपर जब बात आई तो मैं करके जा रहा हूँ, साहब सुनो, तुम अपनी बहन बेटियों को जैसे रखना चाहते हो रखो, अगर तुम्हारी नानी कंगना रनावत की तरह इस तरह रखना चाहते हो तो रखो, हम मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह इंशाअल्लाह, हमारी बेटियाँ पहले भी पर्दा करती थी, आज भी पर्दा करती है और कयामत की सुबह तक हमारी बेटियाँ पर्दा करते रहेंगी। अरे तुम तो क्या, तुम्हारे बाप में भी इतना दम नहीं कि हमारी बहन बेटियों को पर्दा से आज़ाद कर दो। आइए, मैं अपनी टॉपिक को पराना चाहता, अल्लाह का डर साबित करना था, मैंने मुस्कान को देकर साबित कर दिया। ऐ लोगो, इत्तकिल्लाह हैतुमा कुंता, तुम जहाँ भी रहो, राजग्राम के लोगों जिस हाल में भी रहो, बस अल्लाह से डरते रहो। रात के 12 बजे सुनो, सिर्फ इस मामले में नहीं, रात के 12 बजे तुम अपने कमरे में सोए हुए हो, रात के 12 बजे तुम अपने रूम में सोए हुए हो, तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, देखिए मोबाइल फ़ोन बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, सुनिए बात को, मोबाइल फ़ोन रात में सोने के लिए गए, दिल करता है किसी लड़की से बातें कर लूं, दिल करता है चैटिंग कर लूं, आइडिया बदल बदल कर वीडियो कॉल में बातें कर लूं, सुनो, उस हाल में भी रात के 12 बजे रात के अंधेरों में दिल करता है कि मोबाइल के जरिए से गलत काम करूं, तो मेरे नबी फरमाते रात के 12 बजे भी अगर तुम रहो उस हाल में भी डरो तो बस अल्लाह से डरो, बस अल्लाह से डरो। बात समझ में आ गई, जहाँ भी रहो जिस हाल में रहो अल्लाह से डरते रहो, इसलिए कि नबी भी और अल्लाह भी बार बार इसी चीज़ का पैगाम हमें और आपको दे रहे हैं, इसलिए कि जब बंदा के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाएगी तो वो बंदा गुनाहों से बच जाएगा। आगे आइए, हजरत लुकमान, कुरान उठाइए, हजरत लुकमान भी इसी चीज़ की तालीम और इसी चीज़ का पैगाम अपने बेटे को दे रहे हैं। कुरान कह रहा है, आए लोगों, यहाँ पर एक बात और कहकर जाना चाहता हूँ, जानते हैं हम और आप बच्चा पैदा करना जानते हैं, बाप बनना नहीं जानते हैं, बात सुनिए, हम और आप बच्चा पैदा करना जानते हैं, सिर्फ बच्चा पैदा कर दो रास्ते में छोड़ दो, बस छोड़ दो रास्ते में। बाप कैसे बना जाता है, सबसे कह रहा हूँ मैं, बाप कैसे बना जाता है, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम से सीखिए, हजरत लुकमान से सीखिए कि अपने बच्चे की प्रति, अपने वालिद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या दायित्व होती है, क्या जिम्मेदारियाँ होती है। हजरत लुकमान से सीखिए कि बाप अपने बेटे को सबसे पहले जिस चीज़ की तालीम दे रहे हैं वो चीज़ क्या है, अपने बेटे को। आज हम अपने बेटे से क्या कहते हैं, बेटा, इधर तो लुकमान कहते हैं बेटा अल्लाह से डर, और इधर हम बेटा से कहते हैं बेटा एक पैकेट बीड़ी ले क्या, बोलते कि नहीं बोलते, बेटा एक पैकेट सिगरेट ले क्या, बुरा मत मानना मैं ऐसे ही हूँ, बीड़ी ले क्या, सिगरेट ले क्या, अब क्या वो जानते हैं, बेटा एक दिन बीड़ी लाने के लिए गया, दूसरा दिन भेजा, जा बेटा बीड़ी ले क्या, आप लोग तो बीड़ी पीते कि नहीं पीते, बीड़ी पीते हैं ना, बड़े शौक से पीजिए, जब तक दिन में 14 बीड़ी नहीं पीजिएगा आप जन्नत में नहीं जा सकते हैं, शौक से पीजिए। और हाँ, और एक फ़ायदा होगा, बीड़ी पीने से इंसान जल्दी मर जाता है, क्या दुनिया में झंझट में पड़ना यार, बीड़ी पियो मर जाओ, पियो जितना दिल करे बीड़ी पियो, बोलते बोलते थक चुका हूँ,
अब तो आपको बात समझ में आने वाली नहीं है, बीड़ी पीते रहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ बीड़ी पीने की बात करता हूँ, बड़े शौक से बीड़ी पीजिए। बाप बेटा को भेजा, जाओ बीड़ी की पैकेट लेकर आओ। बेटा गया एक दिन ला के दिया, दूसरे दिन गया, दूसरे दिन ला के दिया, तीसरे दिन गया, तीसरे दिन ला के दिया, चौथे दिन बेटा समझता है। मैं बंगला में बोल देता हूँ उदाहरण ताकि सब समझ जाए, मुझे भी हल्की फुल्की बंगला आती है। बाप बेटा को बोलते जा बीड़ी पैकेट नहीं आ। बेटा गया लो, एक दिन नहीं आसलो, दो दिन नहीं आसलो, तीन दिन नहीं आसलो। बेटा मन मन भावचे असल ये जिनिसटा की रे भाई, बाबा यत खाचे माने একটা খেয়ে দেখি। বেটা একদিন খেলো, বেটাকে খুব ভালো লাগলো, বেটা দ্বিতীয় দিন নিজের জন্য কিনতে চলে গেল। মানে বাপ তো আগে থেকে হারামখোর ছিলই ছিল, বাপ দেখে দেখে বেটাও হারামখোর হয়ে গেল। কে বেটাকে হারামখোর? কে হারামখোর মানে গালি নয়, এবার গালি আমি আপনাকে গালি দিচ্ছি না, হারামখোর মানে হলো হারাম খানেওয়ালা, আর বিড়ি হারাম, ওই জন্য হারাম খানেওয়ালা বলছি। তো বেটা যে খারাপ কাজ করে কোথায় শিখে? মিথ্যে কথা বলে কোথায় শিখে? বাপের কাছ থেকে। বেটা পার্শ্বে শুয়ে আছে, বাপ শুয়ে আছে, একটা ফোন এসছে, এই জলদি আসো ভ্যাকসিন নিতে হবে। বাপ বেটাকে বলছে কয়া আছে, বাপ বাড়িতে নাই, ওই ডরে কয়া বাপ বাড়িতে নাই। বেটা কইলে বাপ বাড়িতে নাই, পাঞ্জরে শুয়ে আছে। তো মিথ্যে কথা বলছে, শিখেছে কোথায় থেকে? বাপের কাছ থেকে। আবার এখন এমন পরিস্থিতি জানেন, এই যুবকদেরকে নিয়ে আর পাড়া যায় না। একটু বাংলাতে বলি, আমার একটা এক যুবক আমাকে এসে প্রশ্ন করছে যে তানভীর সাহেব আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমি বলছি বলো, কে বলো কি বলতে চাও? বলছে আচ্ছা ইসলামে কি সব জিনিস খাওয়ার দোয়া আছে? আমি বলছি আছে। বলছে ভাত খাওয়ার দোয়া? আমি বলছি আছে। বলছে ভাত খাওয়ার দোয়া আছে? বলছে কোন লোকরে একদিন তা ভাত খেয়েছে মানে দোয়াই পড়ে না? বলছে হ্যাঁ আছে। বলছে দুধ খাওয়ার? আমি বলছি হ্যাঁ আছে। বলছে বিড়ি খাওয়ার? দেখ বোকা কোথায় কার, বিড়ি খাওয়ার আবার কোনো দোয়া হয়? বলছে না আপনি তাহলে ভালো মলনা না, বাংলাদেশের মলনারা ভালো। আমি বলছি আচ্ছা বাংলাদেশের মলনা ভালো, কেন ভালো? বলছে বাংলাদেশের মলনা বিড়ি খাওয়ার দোয়া কহে। বলছে হাঁ রে বোকা, 14 বছর মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছি, দুবার মাদ্রাসাতে ফজিলত করেছি, ঠিক আছে, এতটা পড়াশোনা করার পরেও দুবার সাহি বুখারি খতম করেছি, এক পর্যন্ত তো বিড়ি খাওয়ার দোয়া দেখতে পেলাম না, তুই আবার কোথায় পেলি? বলছে না বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে, আমি মুলবির মুখ থেকে শুনেছি। বলছে বল দেখি দোয়াটা কি, একটু বুঝতে পারবো কি না বল দেখি। বলছে বিড়ি খাওয়ার দোয়া হচ্ছে আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা বেড়ি টানা, ये होती है बीड़ी पीने की दुआ। बोलिए कहाँ, आज कहाँ पहुँच गए नौजवान? तो मेरे भाइयों जो मैं बता रहा था, बाप बनना है तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जैसा बनिए। हजरत लुकमान अपने बेटे से नसीहत कर रहे हैं, ऐ मेरे बेटे या बुनैया इन्हा इन तकुमित कौल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्ला। हजरत लुकमान भी इसी चीज़ की पैगाम, इसी चीज़ की तालीम और इसी चीज़ का पैगाम दे रहा है, ऐ मेरे बेटे अगर आसमां के नीचे इसी धरती के ऊपर राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़, राई समझते हैं ना, राई बड़ी छोटी होती है, राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ आसमान के नीचे, धरती के नीचे, पहाड़ के नीचे, चट्टान के नीचे अगर कहीं पर छिपी होंगी, तो अल्लाह की कुदरत का आलम तो ये है, अल्लाह की पकड़ का आलम तो ये है, अल्लाह की नज़र का आलम तो ये है कि अल्लाह भी कल कयामत के रोज उसको भी सामने लेकर आएगा। यानी हजरत लुकमान अपने बेटे से नसीहत कर रहे हैं, ऐ मेरे बेटे इस दुनिया के अंदर तुम जो भी काम करना जरा संभाल कर करना, इस दुनिया में जो भी अमल करना जरा संभाल कर करना, इसलिए कि कल कयामत के रोज दुनिया के अंदर जो छोटा बड़ा जो तुम के होगे कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में तमाम की तमाम चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। ये होता है अल्लाह का डर मेरे प्यारे साथियों। इसलिए तो मैं बार बार आपसे ये पैगाम देकर जा रहा हूं कि लोगों अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लेना, और जरा देखो कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो वो इंसान किस तरह गुनाहों से बच जाता है। आइए वो वाकया भी मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं। एक किताब है, वो किताब अरबी में है, अरबी आती होंगी तो किताब उठा कर पढ़ लेना। किताब का नाम है उसदुल गावा फिल मारिफति सहाबा। उस किताब के अंदर किताब का हवाला भी मैंने आपके सामने रख दिया, किताब को उठा लेना, किताब का सही वाक्या है। जरा देखिए कि इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो इंसान किस तरह गुनाहों से बच जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर
उमर का बेटा अब्दुल्ला रास्ते से जा रहे। देखिए, जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है तो किस तरह गुनाहों से बचता है, पाप से, अधर्म से, बुराई से किस तरह बच जाता है। रास्ते से जा रहे हैं, कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जा रहे। जाते जाते एक जंगल में घुस गए। जंगल में क्या देखा, एक नौजवान चंद बकरियों को चरा रहा है। बकरियां बंगला में जिसको हम और छागोल बोलते हैं, बकरियां चरा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसके पास गए। जाने के बाद कहा कि अजनबी शख्स, ऐ नौजवान, ऐ बकरी का चरवाहा, सुनो, मैं अजनबी हूँ, दूर से सफर करके आ रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, बीनी शातन, एक बकरी मुझे फरोख्त कर दो। ऐ नौजवान, एक बकरी मुझे बेच दो। अब जरा सुनिए, वो बकरी का चरवाहा वो नौजवान कह रहा है कि अजनबी सस, आप मेरे नज़दीक अजनबी हो, अननोन हो, बंगला में जिसको बोलते हैं वो अपरिचित हो, आप मेरे नज़दीक अननोन पर्सन हैं, अजनबी हैं, वो अपरिचित हैं, मैं आपको नहीं जानता, नहीं पहचानता। ऐ अजनबी शख्स, आप मुझसे ये कहते हो कि मैं इन बकरियों में से एक बकरी में आपको फरोख्त कर दूं, एक बकरी में आपको बेच दूं, पर अल्लाह की कसम, मेरे सामने जो बकरियां हैं, इन बकरियों में से मैं एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हुआ, मैं एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूँ। कहा, एक बकरी का भी मालिक नहीं? कहा, अरे कोई मसाला नहीं, दे दो। अरे बेच दो, कौन है, कोई देखने वाला, रोकने वाला, टोकने? अरे बेच दो, जंगल में तेरे सवा मेरे सवा तीसरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, बेच दो, मुझे एक बकरी बेच दो। उस नौजवान कहता, नहीं, मैं आपको इन बकरियों में से एक बकरी भी नहीं बेच सकता। उस दुलगाबा का वाकया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि साहब, बकरी बेच दो, जब तुम अपने मालिक के पास जाओगे, तुम्हारा मालिक तुमसे पूछेगा, आस्क करेगा, सवाल करेगा, जिज्ञासा करेगा, तुम अपने मालिक से कह देना, आज जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था, चीर फाड़ खाने वाला दरिंदा आया था, और वो दरिंदा एक बकरी निगल कर चला गया, एक बकरी खा कर चला गया। सुझाव दे रहे हैं, जैसे गांव में कहते हैं, नाई साहब, आप अपने बेटे के शादी में डिमांड क्यों लेते हैं, डिमांड, जहेज, जिसको बंगला में पोन बोलते हैं, पोन बोलते कि नहीं बोलते हैं, आज हम और आप बच्चा पैदा करते ही हैं लड़की वालों से पैसा वसूलने के लिए, और भिखारी, डिमांड देखो, लेबल देखो, सरकारी चाकर नौकरी, सरकारी जॉब करे 15 लाख, प्राइमरी में, हाई स्कूल में करे 15, प्राइमरी में करे 10, डिमांड देखो भिखारी का, बच्चा पैदा करते हैं लड़की वालों से पैसा वसूलने के लिए। उनसे कहो, अरे साहब, डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लंबी लंबी दाढ़ी रख के लड़के के शादी में जहेज लेते हो, लड़की वालों पर जुल्म करते हो, अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, कमबख्त नालायक, जहेज लेते हो। जवाब देगा, मौलवी साहब, हमारे गांव में एक मौलवी है, वो भी तो अपने लड़के की शादी में जहेज लिया था, जुगाड़ देखिए। कहाँ, जब इनकी बात आई तो मौलवी पर बात चली गई, जब इन पर बात आई तो दूसरों पर चली गई। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसको जुगाड़ दे रहे हैं कि मालिक से झूठ बोल देना। उस नौजवान का जवाब सुनिए, यही तो मेरा पैगाम है आपके नाम, के अल्लाह का डर पैदा करो। उस नौजवान ने कहा, ऐ अजनबी शख्स, अगर आज मैंने आपको बकरियां बेच दी, इनमें से एक बकरी आपको बेच दिया, फरोख्त कर दिया, मैं घर में गया, मेरा मालिक मुझसे पूछा कि एक बकरी कहाँ गई, मैं मालिक को ये झूठ बोलकर जवाब दे दिया कि आज जंगल में एक भेड़िया आया था और एक बकरी खाकर निकल कर चला गया, मेरा मालिक मेरी बातों का इत्तबार कर लेगा, मेरा मालिक मेरी बातों पर विश्वास कर लेगा, मेरा मालिक मेरी बातों पर यकीन कर लेगा, बिलीव कर लेगा, लेकिन ये अजनबी शख्स जो मेरा मालिक का भी मालिक है, आज दुनिया में मैं झूठ बोलकर अपने मालिक की नज़र से बच जाऊंगा, आज दुनिया में मैं झूठ बोलकर अपने मालिक के हाथों से बच जाऊंगा, लेकिन
लेकिन कल कयामत के रोज जब अल्लाह की अदालत में मेरी पेशी होगी, जब अल्लाह की अदालत में मुझे पेश किया जाएगा और अल्लाह जब मेरे सामने मेरा नामा या माल रख दिया जाएगा, वह उदियल किताब फतर المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا جب میرے ہاتھوں میں میرا نامہ یا مال رکھ دیا جائے گا بتاؤ میں کل قیامت کی روز اپنے مالک کے ہاتھ سے کیسے بچ پاؤں گا. یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جنگل میں بھی تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے. ہاتھ میں موبائل فون ہے, دل کرتا ہے چلو بادام بادام ایک گانا سن لوں. بادام بادام سنے کہ نہیں سنے؟ بیربھوم کا, اچھا یہی ڈسٹرکٹ ہے بیربھوم. بادام بادام, کیا لڑکا کیا لڑکی کیا بوڑھا سب کوئی بادام بادام دادا بادام بادام. امر کچھ نائی بوبو بھاجا بادام. بڑا مزہ آتا ہے نا رات کے 12 بجے, بڑا مزہ آتا ہے نا. یاد رکھیے کل قیامت کے دن جب آپ سے بادام بادام کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیا جواب دیجیے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ کیا جواب دیجیے گا؟ اللہ کا ڈر پیدا کرو, بادام بادام سننے سے بھی آپ ڈر جائیے گا. کیا لگا رکھے اللہ کا ڈر انسان کو جنگل میں بھی گناہ کرنے سے بچا لیتا. اچھا ایک مثال دے کر جاتا ہوں, بڑی زبردست آیت پڑھ دوں. آیت پڑھنے سے پہلے مثال دے دیتا ہوں. آپ کے یہ جو راج گرام ہے نا, چلیے اس کی مثال چھوڑیے, ٹرین کی مثال لے لیجیے. آج کی بات کر رہا ہوں, آج میں جلسے میں جب آپ کے یہاں جلسے میں آ رہا تھا ٹرین میں, ٹرین کی بات کر رہا ہوں, آج کی مثال دے رہا ہوں اور آیت کو سامنے رکھ رہا ہوں, اللہ کا ڈر سامنے رکھ رہا ہوں. ٹرین میں نا, ٹرین کے اوپر بیٹھ کر یا پلیٹ فارم پر یا اسٹیشن پر کہیں پر بھی آپ اسموکنگ نہیں کر سکتے, بیڑی نہیں پی سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں لکھا ہوا ہوگا نو اسموکنگ. اگر آپ بیڑی پیجیے گا یا سگریٹ پیجیے گا یا اسموکنگ کیجیے گا تو آپ کو اتنا روپیہ جرمانہ دینا پڑے گا, یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے جرمانہ سے بچنے کے لیے؟ اب عادت ہے بیڑی پینے کی, ایسا بھی انسان ہے کہ جب تک بیڑی نہیں پیے گا تب تک اس کا دو نمبر بھی خلاص نہیں ہوگا, بیڑی پینا چاہیے. اب یہ انسان ٹرین میں ہے, اس کی عادت آ گئی کہ مجھے بیڑی پینی ہے. اب وہ انسان کیا کرتا ہے, کھلے عام بیڑی نہیں پیتا ہے, لیٹرنگ میں جا کر بیڑی پیتا ہے. دیکھیں لیٹرنگ میں جا کر, اور آج میں نے دیکھا کہ ایک بندہ لیٹرنگ میں جا کر بیڑی پی رہا ہے, لیٹرنگ میں جا کر باتھ روم میں جا کر بیڑی پی رہا ہے. ارے بندہ تو تو لیٹرنگ میں جا کر بیڑی پیا, چلو صاحب تم نے پولیس کی نظر سے بچ گیا, ریل کرمچاریوں سے تو بچ گیا, لیکن کیا تو اللہ کی نظر سے بچ پائے گا؟ ارے اللہ نے تو تیرے دونوں کندھے پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا. دکان میں لگا ہوتا ہے نا سی سی ٹی وی کیمرہ, تو چور چوری کرنے کے لیے جاتا ہے, سی سی ٹی وی کیمرہ پر اس کی نظر پڑتی ہے تو چور چوری کرنے سے بچ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر آج میں نے دکان میں چوری کر لی تو لوگ آئیں گے, میری تصویر دیکھ کر مجھے پکڑ لیں گے, سلاخوں کے اندر مجھے ڈال دیا جائے گا. یہ ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا اس کا کیا کیجیے گا؟ ارے صاحب دنیا کے سی سی ٹی وی کیمرہ سے ڈرتے ہو؟ ارے دنیا کا سی سی ٹی وی کیمرہ تو کرپٹ ہو سکتا ہے, خراب ہو سکتا ہے, بجلی جا سکتی ہے, وائر جا کٹ ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ جو دونوں کندھے پر لگایا, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, آپ اس سے کیسے بچ پائیے گا؟ تو اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجیے, اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کیجیے. آئیے اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں, پہلے حدیث سنتے جائیے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لوگوں سنو کل قیامت کے دن, سنیے حدیث کو بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے, کل قیامت کے روز, کل قیامت کے دن ہم دن کے اجالے میں اپنے سر کے اوپر جو سورج دیکھتے ہیں, یہ سورج آج ہم سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے, یہ سورج آج ہم سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے. ذرا سنیے حدیث کو. لیکن کل قیامت کے روز ایک صحیح حدیث کے مطابق 1 میل کی دوری پر آئے گا, دوسری صحیح حدیث کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا. یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے میری امت کے لوگوں, یہ سورج کل قیامت کے روز بڑا نزدیک آ جائے گا, بڑا قریب آ جائے گا. منظر کو ذرا یاد کیجیے, آج سورج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی اور کروڑوں میل کی دوری پر اور کروڑوں میل کی مسافت پر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے. پاتے ہیں برداشت کر پاتے ہیں؟ رات کے 12 بجے, اب مان لیجیے آج گرمی کا دن ہے,
रात दिन में सूरज निकला और सूरज की बड़ी गर्मी थी, सूरज की बड़ी तपिश थी। रात के 12 बजे लाइट चली गई, बिजली चली गई, करंट चली गई, उसके बावजूद भी हम और आप सूरज की गर्मी को रात भर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। साहब फोन मिलाते हैं, साहब जल्दी लाइट दो, जल्दी करंट दो, जल्दी बिजली दो, हमारी नींद हराम हो रही है, रात भर नींद नहीं आती है साहब। लेकिन कल कयामत के रोज क्या कीजिएगा? ये सूरज करोड़ों लाखों मील की दूरी पर नहीं, लाखों मील के मुसाफत पर नहीं, सूरज 3 मील की दूरी पर और 1 मील की दूरी पर, यानी सूरज बड़ा नज़दीक आ जाएगा, बड़ा करीब आ जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस हालात में, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्ली यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लू। ए लोगो, अल्लाह 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। साहब अभी वालेकुम सलाम हिफ्जुल भाई, प्रोग्राम में हूँ, बाद में फ़ोन कर रहा हूँ आपको। हाँ, जो बता रहा था, अल्लाह 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को और सूरज की गर्मी से बचाकर, सूरज की तपी से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगह ता फरमाएगा। वो कौन होगा, वो कौन होगा मेरे भाइयों, नौजवानों इस हदीस को सुनो, वो इंसान कौन होगा? मेरी बात नहीं, मेरे नबी की बात है, मेरा कलमा नहीं, मेरे नबी का कलमा है, बस सिर्फ जबान मेरी है। हदीस को सुनो, वो कौन होंगे 7 प्रकार के लोग? उन 7 प्रकार में से 1 प्रकार के लोग होंगे, राजग्राम में कोई लड़की आपको बुला रही है, चलो कहाँ, चलो ना वो होटल चलते हैं। अच्छा क्यों? चलो ना तुम्हारे साथ इंजॉय करना, लड़की दावतें गुना दे रही है, लड़की बुला रही है, चलो आज पार्क से घूम कर आता हूँ, चलो आज राजग्राम में जलसा होता है, माँ बाप भाई बहन सब कोई जलसे में चले गए, आ जाओ हमारे घर में, आज घर फ्री है, घर में कोई नहीं, आ जाओ बड़ा इंजॉय करेंगे, बड़ा मस्ती करेंगे। सुनो, बड़ी खूबसूरत लड़की, ओहदा वाली, पैसा वाली, मनसब वाली, बड़ी खूबसूरत सी लड़की, हाँ, लेकिन क्या हो रहा, बुला रही है आपको, लेकिन आपका जवाब है इन्नी अखाफुल्ला। मोहतरमा मेरी बहन, नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ वो होटल में रात नहीं गुजार सकता, मैं तुम्हारे साथ पिकनिक मनाने नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अगर आपने ये जवाब देकर गुनाह से बच गए ना, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला कल कयामत के रोज आपको सूरज की गर्मी से और तपिश से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, ये होता है अल्लाह का डर। और एक हदीस सुना दूँ अल्लाह के डर के ताल्लुक से, 3 चीज़ें मैं लेकर आया था, 1 चीज़ होते होते मेरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, ये इम्कान मुझे है, आइए एक ही चीज़ पर आज फोकस डाल देता हूँ। आज का पैगाम आपके नाम क्या, आप अच्छा 1 घंटा का टाइम था, चलिए मुझे वक्त आ चुका है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को मेरी बातों पर जो मैंने आपके सामने पेश की अल्लाह के डर के ताल्लुक से, अल्लाह आप लोगों को इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उस राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए जिस राह पर चलने के लिए दुनिया में भी हमारे लिए बेहतरी हो और आखिरत में भी हमारे लिए बेहतरी हो। तकरीर को अधूरी छोड़ कर जा रहा हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है, मेरे बाद भी बड़े बड़े मुकर्रर को आपकी खिदमत में आना है, आपको उन्हें भी सुनना है। बहरहाल मैं इस यहीं पर अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you.